आज हमारा टॉपिक है निमोनिया। निमोनिया एक ऐसा कंडीशन है जब लंग के जो टिश्यूज़ होते हैं, पैरेन्काइमल सेल्स टिश्यूज़ जो होते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इन्फेक्शन डेवलप करने लगता है, तो उस स्थिति को हम निमोनिया कहते हैं। ओके, सो निमोनिया जो है उसे कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो निमोनिया को अगर हम उस तरीके से क्लासिफाई करें कि किस जीवाणु की वजह से निमोनिया हो रहा है, तो उसमें हम चार तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि या तो निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो बैक्टीरियल निमोनिया कहलाएगा, वायरस की वजह से तो वायरल निमोनिया कहलाएगा। बैक्टीरिया और वायरल दोनों ही अगर फीचर्स नज़र आएंगे किसी के निमोनिया में तो हम उसे कहेंगे कि माइकोप्लाज्मिक निमोनिया है, और अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो हम उसे फंगल निमोनिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकेशन के बेसिस पर, तो लोकेशन के बेसिस पर या तो किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में किसी और इलाज के लिए अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं और उसके बाद चांसेस हैं कि उन्हें निमोनिया हो जाए, ओके, सो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहलाएगा। और अगर हॉस्पिटल में आने की वजह से नहीं, नॉर्मली घर बाहर काम करने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ किसी कारणवश अगर उन्हें निमोनिया हुआ है तो हम उसे कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। अगर हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के बारे में देखें तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया काफ़ी रीजंस की वजह से हो सकता है। नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं हो, आसपास जो पेशेंट्स हों उन्हें निमोनिया हो या कोई और इन्फेक्शन हो और उसकी वजह से इस व्यक्ति को भी निमोनिया हो गया है। ज़्यादातर जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनमें हम दो तरीके के निमोनियाज देखते हैं जो हॉस्पिटल में डेवलप होते हैं। एक एस्पिरेशन निमोनिया है। एस्पिरेशन निमोनिया का मतलब है कि ज़्यादातर जैसे पेशेंट्स बीमार हैं तो कुछ खा रहे हैं तो उनका जो फूड या पानी वगैरह है वो लंग्स में चला जा रहा है, या फिर ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर वो ठीक से खा नहीं पाते हैं तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूबिंग लगी होती है उनके बॉडी में, जिसके थ्रू फ्लूइड या जूसेस वगैरह इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं बॉडी में। ओके, तो जब वो ट्यूब लगी होती है तो अगर उस ट्यूब में कोई लीकेज हो या ट्यूब ठीक जगह पर पेट में ना गया हो और वो लंग्स में जा रहा हो, तो ऐसे सिचुएशंस में एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेंटिलेटर, ज़्यादातर पेशेंट्स जो वेंटिलेटर पे होते हैं उन पेशेंट्स में भी देखा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उस वजह से अगर उन्हें निमोनिया हो रहा है तो उसको हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया या फिर वैप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें साइट की, तो साइट के बेसिस पर निमोनिया तीन तरीके के हो सकते हैं। ब्रोंको निमोनिया मतलब ब्रोंकस में और एल्वियोलाई जो सबसे एंड पार्ट होता है लंग्स में वहाँ पे होगा। सेकंड जो है एटिपिकल और इंटरस्टीशियल, इसका मतलब है कि एल्वियोलाई के बाहर के हिस्सों पे होगा। और लोबर का मतलब है कि एक दो या फिर पूरे ही लंग्स में निमोनिया फैल चुका है। तो ये था क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निमोनिया किन कारणवश होते हैं। निमोनिया का कारण व्यक्ति का स्मोकिंग करना हो सकता है जो ज़्यादातर बड़ा कारण देखा गया है। उसके अलावा अल्कोहल या शराब पीना, जिसकी वजह से जो कफ की क्षमता होती है, कफिंग रिफ्लेक्स जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और ऐसे में कोई भी गलत वस्तु या कोई जीवाणु जब भी बॉडी में अंदर जाते हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं तो वो बाहर नहीं आ पाता है, वहीं पे रह रहकर वो एक इन्फेक्शन या एप्सिस या निमोनिया क्रिएट कर पाते हैं। ओके, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा उम्र हो जाना वो एक कारण हो सकता है। किसी भी तरीके का अगर रेस्पिरेटरी थेरेपी चल रहा है, जैसे ऑक्सीजन लग रहा है पेशेंट को या वेंटिलेटर पे है पेशेंट, बाईपैप पे है, सीपैप पे है, ऐसा कोई भी अगर थेरेपी चल रहा है, रेस्पिरेटरी थेरेपीज चल रहे हैं और वो जो वस्तु है, वो जो अपैरेटस है वो अगर ठीक से क्लीन नहीं किए जाते हैं, एक से ज़्यादा पेशेंट्स पे अगर यूज़ किए जाते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए। ओके, सो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से निमोनिया हो सकता है। निमोनिया का पैथोफिजियोलॉजी, जैसे किसी भी कारणवश अगर बैक्टीरिया, वायरस या फंगस बॉडी में एंटर कर जाएं तो धीरे धीरे वो लंग के सेल्स को थोड़ा बहुत सूजन क्रिएट करेंगे, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेंगे, फिर वहाँ पे म्यूकस बनने लगेगा और ठीक से एयर वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा। मतलब सेल्स जहाँ पे एयर फिल होना चाहिए वहाँ पे जब म्यूकस भरने लगेगा तो वहाँ पे एयर नहीं होगा, धीरे धीरे एयर
कम होता जाएगा लंग्स में, लंग की कैपेसिटी एयर लेने की कम हो जाएगी और रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है या सांस लेने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। ये एक पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं हम जिन पेशेंट्स को निमोनिया होता है। ओके, अगर हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो निमोनिया होने पर बहुत जल्दी से बढ़ते हुए फीवर का एक ग्राफ हम देखते हैं, साथ ही साथ चिल्स देखते हैं, मतलब कपकपाहट होना, जो सांस लेने की अगर हम बात करें तो व्यक्ति को बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में, शॉर्टनेस होता है ब्रेथ का, साथ ही साथ जो जिस तेज़ी से वो ब्रीथ कर रहे होते हैं वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जो रेट होती है जितनी बार एक मिनट में वो ब्रीथ करते हैं वो नंबर बढ़ जाता है, तो हम उसे टैकिपनिया कह रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि बॉडी बहुत वीक होती जाती है तो जो हार्ट जिस रेट पे बीट कर रहा होता है वो हार्ट बीट कमज़ोर हो जाती हैं, ब्रैडीकार्डिया हो जाता है, इसी के साथ साथ कफ होने के चांसेस हैं, पूरी बॉडी में वीकनेस हो सकता है, मसल्स में दर्द स्टार्ट हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए तो जो गला है उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हम देखते हैं निमोनिया में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो एक थॉरो हिस्ट्री लिया जा सकता है कि किस तरीके, ये जानने के लिए कि क्या कारण रहा होगा कि उन्हें निमोनिया हुआ। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हम अगर उनके पीठ पे अगर पैल्पेट करके देखते हैं या किसी मतलब फील करके देखते हैं, और जब वो बात कर रहे हो अगर फील करके देखते हैं, तो जब वो स्ट्रेस लेते हैं कुछ बोलने के लिए तो हमें पीठ पे उनके कुछ आवाज़ें मतलब कुछ डिफरेंसेस समझ में आती हैं, वो इसलिए है क्योंकि कफ भरा हुआ है। ओके, इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड कल्चर करा के ये देख सकते हैं कि कौन से जीवाणु प्रेजेंट हैं, जो स्पूटम है जो थूक होता है जो बलगम होता है उसका हम कल्चर करा के देख सकते हैं। इसके अलावा एक्सरे करा के देखा जा सकता है कि कितनी खराबी है, साथ ही साथ हम ब्रोंकोस्कोपी करके देख सकते हैं, ट्यूब इंसर्ट करना ब्रोंकस में, ये देखने के लिए कि कितना पस है, कितना इन्फ्लेमेशन हो गया है। ओके, तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो किसी जीवाणु की वजह से है तो हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स देते हैं, एंटीबायोटिक या एंटीवायरल या एंटीफंगल, जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है। साथ साथ फीवर हो रहा है हम पेशेंट को एंटीपायरेटिक देते हैं बुखार कम करने के लिए। एलर्जिक या एलर्जी नहीं तो इरिटेशन जो है वो बढ़ रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा होगा तो उस वजह से हम एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है चेस्ट में इस स्पूटम के भरने की वजह से तो हम पेशेंट को डीकंजेस्टेंस दे सकते हैं, म्यूकोलाइटिक्स दे सकते हैं ताकि कफिंग हो और जो स्पूटम है या जो भी म्यूकस भर रहा है वो बाहर आ जाए। ओके, साथ ही साथ हम पेशेंट को स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं, भाप देना ताकि जो म्यूकस है वो बाहर आ जाए, तो ये कुछ तरीके हैं। अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि 2 से 3 लीटर तक पानी पिया जाए डेली बेसिस में कम से कम, ताकि जो म्यूकस है वो गाढ़ा ना हो और बहुत आसानी से बॉडी के बाहर आ सकें। हम उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी देने में मदद करते हैं ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन उनकी बॉडी में जाता रहे और उनकी कमज़ोरी जो है वो कम हो जाए। प्रॉपर डाइट लेने के लिए ऐसे फूड को अवॉइड करना जिनकी वजह से उन्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे दूध या दूध से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका ज़्यादा सेवन करने से हम मना करते हैं ताकि म्यूकस गाढ़ा ना हो जाए। स्मोकिंग अल्कोहल जैसी जो आदतें हैं उससे दूर रहने के लिए हम उन्हें एडवाइस करते हैं ताकि निमोनिया की कंडीशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए। ओके, सो ये था निमोनिया के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।